नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू मान्यताओं में किसी न किसी दिन का संबंध किसी न किसी भगवान या ग्रह से होता है। मंगलवार का दिन ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से भी काफी अहम होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और इसका संबंध मंगल ग्रह से भी होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल अशुभ है तो व्यक्ति गुस्सैल मिजाज का होता है। उसकी शादी देर से होती है और कई बार इसी गुस्सैल मिजाज की वजह से उसके लोगों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे काम है जो व्यक्ति को मंगलवार के दिन नहीं करने चाहिए। ये काम ऐसे हैं जो न तो मंगल ग्रह को पसंद आते हैं और न ही वर्चुअल बलि को। पहला है शराब और मांसाहार। शराब और मांसाहार से मंगलवार को तौबा ही कर ले। इस दिन सात्विक ही रहना चाहिए। हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित इस दिन में अगर आप मांसाहार या शराब का सेवन करते हैं तो आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। इसके अलावा जीवन में सुख समृद्धि में भी आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा है काले कपड़े पहनना। काफी लोगों को काले कपड़े पहनने का शौक होता है, लेकिन मंगलवार के दिन ये शौक छोड़ देना बेहतर होता है। यह इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह और शनि ग्रह के बीच शत्रुता है। ऐसे में इस दिन काले कपड़े पहनने से नेगेटिव असर पड़ता है। इस दिन आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बाल और नाखून न काटो। इस दिन बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी मंगलदेव नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा भी धन की हानि भी होती है और सुख समृद्धि भी चली जाती है। इसलिए न तो इस दिन बाल कटवाए, न ही दाढ़ी बनवाए और ना ही नाखून काटे। इसके अलावा पैसों का लेन देन। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन पैसों के लेन देन से बचने के लिए कहा गया है। मंगलवार को अगर आपने पैसे किसी को दिए हैं तो वापस मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं, और अगर इस दिन उधार लिया है तो उसको चुकाने में परेशानी आती है। इसके अलावा मेकअप का सामान। इसके ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि मंगलवार के दिन महिला या फिर लड़की के लिए मेकअप का सामान नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से उसके व्यवहार के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।